तो देखिए तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि पूरे देश में इस वक्त उत्सव का माहौल है और 22 जनवरी की तारीख मानो दिल पे एक छाप छोड़ रही है ज्योति। लेकिन सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, पड़ोसी देश की अगर बात करें वहां भी उत्साह देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बात नेपाल के जनकपुर की कर रहे हैं जो सीता जी का मायका है, तो जाहिर सी बात है प्रभु श्री राम के लिए भी वो खास होने वाला है। वहां से उनके लिए तरह तरह की सामग्री भेजी जा रही है। बताया ये जा रहा है कि वहाँ पर कुछ आर्टिस्ट अपनी अपनी तैयारियां भी कर रहे हैं, अपनी कला के जरिए आस्था के इस पर्व में अपना अपना योगदान सब लोग देना चाह रहे हैं। तो आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिर क्या कुछ तैयारियां वहाँ चल रही है। भव्य राम मंदिर के उद्घाटन और 22 जनवरी को रामलला के विराजमान होने के कार्यक्रम को लेकर देश ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों में भी उत्साह का माहौल है। माँ सीता जी का मायका कहे जाने वाले नेपाल के जनकपुर की ये तस्वीरें देखिए, जहाँ माँ सीता के लिए भेंट की जाने वाली वस्तुओं को लेकर यात्रा निकाली गई। इसमें माँ सीता के वस्त्र, श्रृंगार, उपहार, फल और व्यंजनों की 1100 टोकरियाँ हैं जो अयोध्या भेजी गई हैं। जनकपुर धाम से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए लंबी कतार है, ये 1100 टोकरी है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तमाम लोग इन टोकरियों को अपने अपने सर पर रखकर यहां से निकले हैं और आगे जाने के बाद गाड़ियों में इसे रखा जाएगा और फिर उन गाड़ियों के जरिए ये जो तमाम लोग हैं वो अयोध्या के लिए पहुंचेंगे। तो ये तस्वीर नेपाल से हम आपको दिखा रहे हैं, नेपाल के जनकपुर धाम से, जहां पर इस तरह से लोग यहां पर टोकरियों में भरकर सामान ले जा रहे हैं अयोध्या, भगवान राम की नगरी, और वहाँ पर माता सीता के लिए ये जो तमाम गिफ्ट है वो वहाँ पर दिए जाएंगे। नेपाल में राम मंदिर को लेकर उत्साह है, तो वहीं देश के अलग अलग राज्यों में भी यही उत्साह दिख रहा है। राजस्थान के जोधपुर से आई इस तस्वीर को देखिए, यहाँ मेहंदी आर्टिस्ट रेणु भादरार मेहंदी से प्रभु राम से जुड़ी आस्था को तस्वीरों के माध्यम से हाथ पर उकेर रही हैं। मेहंदी के जरिए राम मंदिर की तस्वीर के साथ स्लोगन भी बेहद खास है। इसके साथ ही पीएम मोदी के राम मंदिर के नींव रखने की भी तस्वीर मेहंदी के जरिए हाथों पर सजा रही हैं। राम मंदिर जो बनने जा रहा है और जो अपने देश में एक उमंग और उत्साह है, उसको देखते हुए मैंने अपनी कला से हाथों में प्रभु श्री राम के मंदिर को साक्षात उतारा है। राम मंदिर को लेकर खुशी हर तरफ देखी जा सकती है। करोड़ों राम भक्त अपनी अपनी तरह से इस आस्था के जश्न में उत्साह और उमंग दोनों भर रहे हैं।